Okay, good morning, good afternoon, good evening, everybody. As I said, CA Foundation new syllabus में ये तीन नए units add हुए in company accounts. Accounting for bonus and right issue, redemption of preference shares and redemption of debentures. So newly added units from intergroup one account. Okay, earlier वो intergroup one में थे, वहां से shift होके यहाँ पे आए हुए. ओके, तो चांसेस आर देयर रिसेंट अटेम्प्ट में आपको इन यूनिट्स में से पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली. ओके, तो यूनिट नंबर फोर बहुत ही आसान है, आप साइन पर्सन इसको स्कोर कर सकते हो. ओके, व्हाट यू मीन बाय अकाउंटिंग फॉर, यू कैन से बोनस इश्यू या राइट इश्यू. तो बोनस इश्यू क्या है? सिंपल, यू माइट हैव सीन मेनी अ टाइम्स दैट कंपनी इश्यूज बोनस शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर. ये दोनों शेयर्स जो हैं, वो हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही इश्यू करने वाले हैं, नए शेयर होल्डर को नहीं, एग्जिस्टिंग जो शेयर्स हैं उसको. बोनस मतलब क्या है? मान लीजिए कंपनी के पास बहुत सारा प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो चुका है, बहुत सारी रिजर्व सरप्लस पड़ी हुई है, और अभी कंपनी चाहती है कि हम आपको एडिशनल शेयर्स मुफ्त में दे दे, फ्री में. तो बोनस इज नथिंग बट द कैपिटलाइजेशन ऑफ योर रिजर्व इनटू शेयर कैपिटल. आपके पास जो भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व पड़ी हुई है उसको हम क्या करेंगे? बोनस में कन्वर्ट कर देंगे. इससे क्या होगा कि मान लीजिए 2:1 बोनस दिया, तो आपके पास 200 शेयर हैं, तो भी आपके पास 300 नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे, 100 शेयर्स आपको बोनस में मिल गए मुफ्त में. एक्चुअली एज सच वी कैन नॉट से दैट फ्री में मिले, क्योंकि ये आप ही का हक है. कैसे? मुझे बताओ, ये जो भी रिजर्व सरप्लस है वो कैसे आई? बोले हमने जो भी प्रॉफिट अर्न किया उसमें से इंटरेस्ट दे दिया डिबेंचर होल्डर को, प्रेफरेंस डिविडेंड को डिविडेंड दे दिया, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया, बराबर, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दे दिया, इक्विटी को डिविडेंड दे दिया. अभी बचा क्या है? जो रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग किसका है? अल्टीमेटली दैट बिलोंग्स टू शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर. जो कुछ भी प्रॉफिट बच जाएगा, रिटेन अर्निंग होगा, वो सब किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर का है. तो अल्टीमेटली ये इक्विटी शेयर होल्डर को ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बोनस, उसी के रीजन में से. तो दैट इज ओके. बट यहां पे कंपनीज एक्ट की सेक्शन 63 जो है, सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा बोनस के लिए. और फिर राइट इश्यू क्या है वो हम इसी यूनिट में आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बराबर. अभी राइट नाउ विल टॉक अबाउट बोनस इश्यू. ओके, तो बोनस इश्यू है क्या? इट इज नथिंग बट द इश्यू ऑफ एडिशनल शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फ्री ऑफ कॉस्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग. ओके, देखो, इट इज इश्यू ऑफ शेयर्स एट नो कॉस्ट टू करेंट शेयर होल्डर बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स दैट शेयर होल्डर ऑलरेडी ओन्स, बराबर है. एक बात समझ लेना, बोनस से कोई नया फंड जनरेट होने वाला नहीं है. देखो, आप कभी भी शेयर कैपिटल इश्यू करोगे तो यू विल जनरेट द फंड. हमने यूनिट वन यूनिट टू में देखा इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री आएगी. क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. तो वहां से फंड जनरेट होने वाला है बिकॉज यू आर इश्यूइंग टू द पब्लिक, और आप पैसे लेके कंसीडरेशन के साथ आप इश्यू कर रहे हैं. वो कंसीडरेशन कैश भी हो सकता है, कंसीडरेशन अदर देन कैश भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली दैट्स गोइंग टू जनरेट द एसेट, दैट्स गोइंग टू जनरेट द फंड. बट बोनस में कोई फंड जनरेट होने वाला नहीं. इन शॉर्ट, बोनस में हम क्या करेंगे? अल्टीमेटली आपकी जो रिजर्व सरप्लस है उसी को हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिंपल. वाइल इश्यू ऑफ बोनस इंक्रीजेस, इससे क्या होगा, आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाएंगे बट आपकी नेटवर्थ इंक्रीज नहीं होगी. और इसी वजह से अगर आप देखोगे बोनस के बाद मार्केट वैल्यू या वर्थ या वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो डाउन आ जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में आप जो कंसिडर कर रहे हो, पहले मान लीजिए 2 लाख शेयर्स थे, अभी आपने क्या किया, 2:1 बोनस दिया, 1 लाख शेयर्स आ गए, तो 3 लाख शेयर्स आ गए. आपकी नेटवर्थ तो वही की वही रहे,
डिवाइडेड बाय, अभी आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ 2 लाख, इंस्टेड ऑफ 2 लाख आप क्या करोगे 3 लाख, तो आपकी वैल्यू पर शेयर डाउन हो जाएगी। बोनस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, दैट्स व्हाट आई से। कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट में क्या करेंगे, आपका जो भी प्रॉफिट रिजर्व है उसको पेड अप कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे, और ये जो भी आप प्रॉफिट कैपिटलाइज कर रहे हो दैट विल बी अदरवाइज देन बाय अवेलेबल एज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिविडेंड अमंग द मेंबर्स। ये डिविडेंड के बदले नहीं होना चाहिए, हाँ डिविडेंड आपको जो देना है वो दे दो, उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचता है उससे आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसके लिए प्रोसीजरल एस्पेक्ट क्या रहेगी, जर्नल एंट्रीज क्या रहेगी, विल सी टू इट। एक बात समझ लेना, इफ सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल एक्सीड ऑथोराइज कैपिटल रिजल्ट ऑफ बोनस, कई बार क्या होगा, ये हमने यूनिट नंबर 2 में देखा था कि ऑथोराइज कैपिटल दैट इज द मैक्सिमम कैपिटल, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अभी देखिए बिकॉज ऑफ बोनस इश्यू अगर ऑथोराइज से ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, हम ऑथोराइज को इंक्रीज कर देंगे रेजोल्यूशन पास करके। तो रेजोल्यूशन शैल बी पास बाय कंपनी इन जनरल बॉडी मीटिंग इंक्रीजिंग ऑथोराइज कैपिटल, वो हम इश्यू मतलब वो इंक्रीज कर सकते हैं। अभी कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे, प्रैक्टिकली सम के तौर पर देखेंगे, तो डू नॉट वरी फॉर द सेम। अभी जो मैंने आपको बताया प्रोविजन 63 है, सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट, उसको अच्छे से समझ लें। और बोनस की जो एंट्रीज है, जर्नल एंट्रीज फॉर बोनस, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बोनस की, तो बोनस इश्यू क्या है, तो दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ योर प्रॉफिट्स और रिजर्व्स। ओके, अभी इसको हम डिवाइड करेंगे इन 3, सेक्शन 63(1), 2 एंड 3। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट सेक्शन 63 सबसेक्शन 1, सोर्सिंग ऑफ बोनस। बोनस का सोर्स कहां से आएगा, सोर्सिंग ऑफ बोनस। जब आप बात करते हो बोनस देने की तो आप सोर्स कहां से लाओगे, बोनस का सोर्स कहां से आएगा, तो सिंपली बोनस का सोर्स आएगा फ्रॉम प्री रिजर्व्स, प्री रिजर्व्स लाइक जनरल रिजर्व या रेवेन्यू रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये फ्री रिजर्व है, एक आप इसमें से बोनस यूज कर सकते हो, ओके फ्रॉम फ्री रिजर्व। सेकेंड वन, इवन सिक्योरिटी प्रीमियम, ये क्या है सिक्योरिटीज प्रीमियम, विच इज रियलाइज्ड इन कैश, विच इज रियलाइज्ड इन कैश, वो आप यूज कर सकते हैं। मतलब आपके पास जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ है उसको आप यूज करके बोनस दे सकते हो। एंड थर्ड, you can use capital redemption reserve, capital redemption reserve। by the way ये capital redemption reserve है क्या, actually जब भी आप कोई capital redeem करोगे, capital redeem मतलब, अब देखिए capital दो तरह की होती है, एक equity share और एक preference share। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट करने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वहां पे मैं आपको ये सीआरआर का लॉजिक अच्छे से समझाऊंगा, बट फिर भी अभी यहाँ पे टाइमिंग समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सीआरआर एक ऐसा वर्ड आया है जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व मतलब जब भी आप मान लीजिए प्रेफरेंस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए, रिडीमेबल मतलब जो आपको रिडीम कर देने हैं, मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर आपने इश्यू किए 10 ईयर्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, उसका मतलब क्या होगा कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो 10 साल में आप वापस
कर दोगे, परमानेंट नहीं है। तो जब आप रिडेम्पशन करोगे ना प्रेफरेंस शेयर का, तब जितनी अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर रिडीम करोगे ना, उतना आपको फ्री रिजर्व में से सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। इसका भी लॉजिक क्या है वो हम आगे यूनिट नंबर 5 में देखेंगे, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। उससे जो सीआरआर क्रिएट हुआ है वो सेम वे आप इक्विटी शेयर का बायबैक कर सकते हो। इक्विटी शेयर बायबैक में भी सीआरआर क्रिएट होता है, बायबैक फाउंडेशन लेवल पे नहीं आएगा, बायबैक जो है वो आपको इंटर लेवल पे आएगा आगे। ओके, वो अभी यहां पे शिफ्ट नहीं हुआ है। तो ये दोनों केसेस में आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जनरेट करोगे, और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का एकमात्र यूज क्या है, बोनस देना। सीआरआर जो है वो एक ऐसी रिजर्व है जो आप बोनस के लिए ही यूज कर सकते हो। ओके, एज आई सेड लॉजिक क्या है वो हम रिडेम्पशन के चैप्टर में लर्न करेंगे। अभी के लिए ऐसा समझ लो कि आपके पास एक रिजर्व पड़ा हुआ है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जो आप बोनस के लिए यूज कर सकते हो। और एक बात समझ लो, ये सीआरआर जो है कैपिटल रिडेम्पशन, इसका एकमात्र यूज क्या है, बोनस देना। इसलिए सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, सीआरआर, फिर उसके बाद क्या यूज करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, और फिर प्री रिजर्व। प्री रिजर्व क्यों लास्ट में यूज करना, क्योंकि एक बात समझ लो, प्री रिजर्व मतलब वो फ्री है, किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, बट कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जो है वो लिमिटेड पर्पज के लिए यूज हो सकता है। लिमिटेड क्या है, एक ही पर्पज के लिए यूज हो सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम लिमिटेड पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम किस पर्पज के लिए यूज करेंगे वो हमने आगे देखा था, हमने भी देखा था सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कहां पे करना है, यूसेज ऑफ मतलब इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम हमने किया था। तो फिर हमने देखा था कि 5 पर्पसेस आप यूज कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम का, यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, या फिर आगे आ जाएगा, डोंट वरी। तो ये तीन सोर्सेज हैं, मतलब बोनस के लिए आप ये यूज कर सकते हो। एक बात याद रखना, यू कैन नेवर यूज रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये आप यूज नहीं कर सकते। ये रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या है, कई बार हम क्या करेंगे, एसेट की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। तो एसेट की वैल्यू मान लीजिए बिल्डिंग 10 लाख है, आप बोलेंगे इसकी वैल्यू 15 लाख है, 15 लाख कर दो, तो क्या करोगे, व्हाट विल बी एंट्री फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग फॉर 15 लाख, 10 लाख से आपने क्या किया, 15 लाख कर दिया, क्या एंट्री का क्या पास करोगे आप, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन रिजर्व। अभी ये रिवैल्यूएशन रिजर्व ऐसी है जिसमें आपको कोई प्रॉफिट एक्चुअल में रियलाइज हुआ नहीं है, इसलिए इसको आप बोनस में यूज नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 63, बोनस के सोर्सिंग क्या होंगे, प्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड सीआरआर। ओके, इसके अलावा कोई स्पेसिफिक, इसके अलावा कोई स्पेसिफिक है, ओके, स्पेसिफिक एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व वो यूज नहीं कर सकते आप, सिर्फ इसी का यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, चलो इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट। देखो है सेक्शन, सब सेक्शन 1 टू सेक्शन 63, कंपनी में इश्यू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर इन एनी मैनर आउट ऑफ प्री रिजर्व, प्री रिजर्व में क्या आएगा, जनरल रिजर्व पीनल, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट सीआरआर, प्रोवाइडेड नो बोनस इश्यू शैल बी मेड बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स से आप जो भी रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं उसको यूज नहीं कर सकते, नो यू कैन नॉट, इज दैट क्लियर। ओके, तो ये सबसे पहले सेक्शन 63(1), सबसे पहले सोर्सिंग ऑफ बोनस इश्यू। अभी ये सोर्सिंग का यूज कहां पे करेंगे, एंट्री में कहां पे करेंगे बताता हूं आपको। पहले हम एज आई सेड सेक्शन 63 जो दिया है कंपनीज एक्ट में उसको अच्छे से समझ लो, और फिर हम एंट्री समझेंगे, फिर इसको प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, ये जितना लॉजिकली आप समझोगे ना आगे जाके एंट्रीज में आपको उतना ही आसान हो जाएगा। चलो इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट, शैल वी गो अहेड देन। बोनस आप इश्यू करोगे फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, वो आप किस में से यूज कर सकते हैं, एक प्री रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, रेवेन्यू रिजर्व, जो भी फ्री है उसको यूज कर सकते हैं। एक
सिक्योरिटी प्रीमियम और लास्ट में सीआरआर, बराबर है। ऑर्डर हम देखेंगे कैसे करना है वो आगे, ठीक है। रिवेल्यूशन रिजर्व कभी भी बोनस के लिए आप यूज नहीं कर सकते, बराबर है। अभी कुछ शर्त टर्म्स एंड कंडीशंस, तो बात करते हैं सेक्शन 63(2). सेक्शन 63 सबसेक्शन 2, ओके, यहां पे आपको दी गई है कंडीशंस। बोनस इश्यू करने की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? ओके, तो क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहले कंडीशन नंबर 1, क्लोज ए, ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स, ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सी वेरी वेल नो दैट कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में हमने देखा, लू में भी, बराबर है, दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। मेमोरेंडम की क्लोज में आपने लिखा हुआ है, कैपिटल क्लोज में, कि कौन कौन सी कितनी कैपिटल एंड ऑल दिस थिंग, ऑथोराइज सब कुछ वहां पे लिखा हुआ, ठीक है। और आर्टिकल्स क्या है? इट इज रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशंस और मैनेजमेंट ऑफ द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनीज। तो अगर आर्टिकल्स में आपने लिखा है कि भाई हाँ आप बोनस दे सकते हो, तो आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। आर्टिकल में अगर लिखा हुआ है कि हाँ भाई बोनस दे सकते हो, तो आप दे सकते हो, मतलब आर्टिकल ऑथोराइज करना चाहिए कि आपकी कंपनी बोनस इश्यू कर सकती है। नंबर टू, क्लोज नंबर बी, आप देखिए, सबसे पहले बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो रेकमेंड करेंगे, वो क्या करेंगे, रेकमेंड करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो रेकमेंड करेंगे, और उसकी रेकमेंडेशन के बाद जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी। जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग समझते हो, कंपनी में क्या होता है, कोई भी डिसीजन लेना है, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंपनी का। मैनेजमेंट किसको दिया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन ले सकते हैं, तो यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिसीजन नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेकमेंड करेंगे कि भाई हमें बोनस इश्यू करना है। अगर शेयर होल्डर चाहे कि हाँ भाई उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रेजोल्यूशन पास करेंगे, तो हम बोनस इश्यू कर देंगे। तो बोर्ड ने रेकमेंड किया, रेकमेंडेशन पे जनरल मीटिंग बुलाई, जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करेंगे, और अगर रेजोल्यूशन पास हो गया, रेजोल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक ऑर्डिनल रेजोल्यूशन, एक स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनल रेजोल्यूशन मतलब मोर देन हाफ मेजोरिटी, मतलब वॉट इन फेवर इज मोर देन द वॉट अगेंस्ट, और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, जिसमें वॉट इन फेवर मस्ट बी थ्री टाइम्स द वॉट अगेंस्ट 75% मेजोरिटी, यहां पे मोर देन हाफ मेजोरिटी। तो जनरल रेजोल्यूशन पास करेंगे, क्लोज नंबर सी। अब देखिए, आप बोनस क्यों दे रहे हो, बोनस क्यों दे रहे हो भाई? अरे हमारे पास इनफ प्रॉफिट पड़ा हुआ है, बराबर, तो आपको क्या लग रहा है, बहुत सारा प्रॉफिट है और इसका भी कोई यूज नहीं है, तो चलो लेट अस इश्यू द बोनस और एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को बेनिफिट देते हैं, ओके। तो ऑब्वियसली नो डिफॉल्ट, नो डिफॉल्ट इन, यू कैन से इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डिपॉजिट्स एटसेट्रा। भाई पहले आपके पास जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट पड़ा हुआ है, उसको, जितनी भी लोन ली है उसको इंटरेस्ट दे दो, डिपॉजिट दे दो। अब यहां पे इंटरेस्ट और डिपॉजिट में डिफॉल्ट किया हुआ है, पेंडिंग, और बोले बोनस देना है, बोनस देना। पहले जो पेंडिंग है उसको पेमेंट करो। तो लोन में कोई डिफॉल्ट नहीं चाहिए, कोई इंटरेस्ट में डिफॉल्ट नहीं चाहिए, सॉरी। बोनस का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि बोनस से कोई फंड जनरेट ही नहीं होगा। बोनस का यूज सिंपल लॉजिक समझो, बोनस जो है उससे आपको कोई फंड तो जनरेट होगा नहीं, तो आप यूज कहां पे करोगे? मतलब ये फंड तो जनरेट होने वाला है नहीं इसमें। अब यहां पे बात क्या हो रही है, आप बोल रहे हो प्रॉफिट है हमारे पास तो हम बोनस देते हैं, और एक साइड बोल रहे हो प्रॉफिट है, बहुत सारा प्रॉफिट है इसलिए बोनस देना है, और एक साइड आप इंटरेस्ट तो पे नहीं कर पा रहे हो। तो प्री कंडीशन क्या है, पहले इंटरेस्ट पे किया क्या? बोले हाँ वो सब कुछ हो गया, हाँ फिर ठीक है बोनस दे सकते हो।
और अगर मान नो डिफॉल्ट, मतलब डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए उसमें, समझ में आ रहा है? अगर वहां पे डिफॉल्ट है, अगर आप लोन का इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं, ओके, डिपॉजिट का इंटरेस्ट नहीं दे सकते, बोनस क्या खा दोगे? तो पहले वो क्लियर आउट करो ना, फिर जाके बोनस की बात करो। अब यहां पे इसमें तो डिफॉल्ट किया हुआ है, बोनस देके क्या करोगे? तो यहां पे कोई डिफॉल्ट नहीं चाहिए, ओके, डिफॉल्ट किसी में नहीं चाहिए, ना ही इंटरेस्ट में चाहिए, ना ही लोन में चाहिए, ना ही डिपॉजिट में चाहिए, कुछ भी नहीं। सीम सॉरी मेंबर्स को जो भी प्रॉफिट दोगे वो डिविडेंड होगा, और ये अभी किसकी बात हो रही है? डिविडेंड के बाद ये प्रॉफिट रिटेन हुआ है, लॉजिकली समझो, रिटेन प्रॉफिट मतलब क्या है? रिटेन प्रॉफिट में से आप दोगे ना, इसका मतलब ये नॉर्मली ऐसे होता है कि आपका जो भी प्रॉफिट होगा ना, देखो देखो, हम वर्टिकल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करेंगे वर्टिकल फॉर्म में, जो हम नॉर्मली फाइनेंस मैनेजमेंट में ड्रॉ करते हैं, बराबर। इट विल बी लाइक दिस कि आपका जो भी सेल्स हैं, उसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो आपको मिला कंट्रीब्यूशन, ओके। ऐसा स्टेटमेंट आप आगे फाइनेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट में लर्न करोगे। फिर यहां पे हम इश्यू करेंगे, मतलब एक्सपेंस करेंगे फिक्स कॉस्ट, जो भी आपकी फिक्स कॉस्ट है, चलो वो भी हमने दे दिया। तो यहां पे क्या आएगा? अर्निंग, अर्निंग या प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ईबीआईटी या पीबीआईटी, ओके। ये आपका क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर आप क्या करोगे? इंटरेस्ट देंगे। तो यहां पे व्हाट आई मीन टू से, ये इंटरेस्ट आपने दे दिया ना, तो ये इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, जितना भी इंटरेस्ट कंपनी के ऊपर है वो सब दे दिया आपने, ओके। ये इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डिपॉजिट्स, व्हाटएवर, जितना भी आपने बोरो किया हुआ है फंड, उन सभी पे आपने इंटरेस्ट दे दिया। फिर क्या बचेगा? बोले अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी या पीबीटी, जो भी आप बोलो, ठीक है, ईबीटी या पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर इसमें से हम क्या करेंगे? टैक्स प्रोवाइड कर देंगे, टैक्स पे कर देंगे। फिर बचा क्या? तो बोले अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसको बोलेंगे ईएटी या पीएटी, समझ में आ रहा है? अभी इसके बाद हम क्या करेंगे? बोले डिविडेंड देंगे। डिविडेंड किसको देंगे? बोले सबसे पहले तो प्रेफरेंस का राइट लगेगा, क्योंकि उसको पहले प्रेफरेंस मिलता है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड दे देंगे, और फिर इक्विटी डिविडेंड। चलो ये सब डिविडेंड आपने दे दिया, उसके बाद जो बचता है उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। ये है आपकी रिजर्व्स। अभी ये आपके पास बैलेंस शीट में पड़ी हो, इसमें से मुझे बोनस देना है, तो ऑब्वियसली बोनस देने से पहले बोलेगी इंटरेस्ट दे दिया है? बोले हाँ दे दिया है। अगर यहीं पे डिफॉल्ट किया है तो पहले ये दो ना, बोनस तो लास्ट में आता है, बाद में आता है, समझो। बोनस इसमें से देंगे हम, रिटेन अर्निंग में से, आपके पास जो रिजर्व पड़ी हुआ है उसमें। आपने डिविडेंड दे दिया, सब कुछ दे दिया, अभी फिर भी प्रॉफिट बचा हुआ है, तो ये एक्यूमुलेट होगा। ये फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का है, थर्ड ईयर का, ऐसे एक्यूमुलेट होता जाएगा सालों साल। और फिर कंपनी क्या करेंगी? इसमें से बोनस इश्यू देगी। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? और तो इसीलिए बोलते हैं कि आपने कोई लोन में इंटरेस्ट में डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, तभी तो बोनस दे सकते हो आप, समझ में। सेम वे, नो डिफॉल्ट इन स्टेच्यूटरी ड्यूज। स्टेच्यूटरी ड्यूज मतलब कोई भी स्टेच्यूट में आपको कोई भी ड्यूज पे करना है, वो डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो यहां पे अगर आप देखोगे, ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल
रेकमेंड बोर्ड करेंगे और फिर जनरल मीटिंग में उसका रेजोल्यूशन पास होगा। आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए इंटरेस्ट में, प्रिंसिपल में, डिपॉजिट्स में, डेट सिक्योरिटी में, कहीं पे भी। ओके, ना ही इंटरेस्ट में ना ही प्रिंसिपल में कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। सेम वे नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ सैट्यूटरीज ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज का जो भी सैट्यूटरीज है, ओके, पीएफ, ग्रेच्युटी, बोनस ऑफ एम्प्लॉइज, जिसमें क्या आएगा, तो एम्प्लॉय का जो भी पीएफ है, बोनस है, ग्रेच्युटी है, ये कुछ भी पेमेंट करने में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और अगर आपके शेयर्स पार्टली पेड अप हैं, तो इफ एनी आउटस्टैंडिंग ऑन डेट आर मेड फुल्ली पेड अप, क्योंकि पार्टली पेड अप का बोनस नहीं होता है। इसीलिए अगर मान लीजिए पार्टली पेड अप शेयर्स आर देयर, पार्टली पेड अप शेयर्स converted into fully paid up, एक बात समझ लो, partly paid up का bonus नहीं होता है, partly paid up का redemption नहीं होता है, partly paid up का buyback नहीं होता है। तो अगर shares partly paid up है, unit 2, जिसमें हमने क्या किया है, application मंगवा लिया, allotment कर दिया, call money मंगवा लिया, but अभी एक call बाकी, तो बोले bonus बाद में, पहले वो call करवाओ। जब तक पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड में कन्वर्ट नहीं करोगे, ओके, सो इन शॉर्ट पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। और एफ क्लोज में दिया है अदर कंडीशन एज में भी प्रेस कराइट, बराबर है। नेक्स्ट, कंपनी हैज वंस अनाउंस डिसीजन ऑफ बोर्ड रेकमेंडिंग बोनस इश्यू। हाँ, एक बार आपने बोनस इश्यू डिसीजन ले लिया, फिर आप नहीं बोल सकते नहीं नहीं आप गलती से बोनस दे दिया, आप इश्यू कर दिया, ठीक है, या डिसीजन ले लिया, अभी बोनस देना बाकी है, डिसीजन आ गया तो फिर आप विड्रॉ नहीं कर सकते, फिर तो आपको बोनस देना ही पड़ेगा। और सबसेक्शन 3 में ऐसा लिखा हुआ है कि बोनस शुड नॉट बी इन लियो ऑफ डिविडेंड। एफ में क्या लिखा है, अदर कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब। और सबसेक्शन 3 जहां पे क्या लिखा है, ये जो भी आप बोनस दे रहे हो, बोनस शेयर शुड नॉट बी इन लियू ऑफ डिविडेंड, नॉट अलाउड, मतलब अगर आप ऐसा बोल दो कि डिविडेंड नहीं देना है, डिविडेंड के बदले बोनस दे देते हैं, नहीं नहीं वो डिविडेंड देना है वो अलग है, बोनस अलग है, आप डिविडेंड के बदले बोनस नहीं दे सकते। ओके, डिविडेंड देना है वो अलग से दे दो। अभी आप बोलोगे डिविडेंड कैश में नहीं देना है, इसके बदले बोनस दे देते, चलो आप समझ लो कि डिविडेंड मिल गया, तो यू कैन नॉट, बोनस कैन नॉट बी इन लियू ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के बदले बोनस नहीं दे सकते। बोनस देना है इंडिपेंडेंट दो, डिविडेंड देना इंडिपेंडेंट दो, दोनों को मिक्स मत करो। समझ में आ रहा है? तो अभी तक हमने 3 सबसेक्शन किए। ओके, सबसे पहले सबसेक्शन 1, 63(1), बोनस का सोर्सिंग। अभी ये बोनस का सोर्सिंग मतलब आप फ्री रिजर्व यूज कर सकते हो। ओके, ये जो शेयर्स की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, तो बोले शेयर्स हैं फुली पेड अप बोनस शेयर्स, इसको मैं क्या बोलूंगा, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, तो हमने पहले यहां पे कंडीशन बता दी कि अगर कोई पार्टली पेड अप शेयर्स हैं तो उस शेयर्स को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर दो, पार्टली पेड के बोनस, पार्टली पेड शेयर्स का बोनस नहीं दे सकते। चलो, इतना क्लियर है? देखो, बोनस इश्यू करने से पहले सब आपको ये सब कैलकुलेट कर लेना होगा। कोई भी कंपनी प्रैक्टिकली बोनस इश्यू करेगी ना, तो सबसे पहले ये जो भी रिटेन अर्निंग है वो सब कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद ही बोनस इश्यू करेंगे। तो फिर देयर इज नो चांस ऑफ यू कैन से एरर ऑफ दिस दैट थिंग कि नहीं आप जो ये कमिटमेंट्स देने हैं। ओके, कोई भी कंपनी प्रैक्टिकली कमिटमेंट्स
एक्चुअल में फुलफिल हो जाएगा और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसी में से आप बोनस दोगे ऑब्वियसली राइट। चलो इतना क्लियर है। अब यहां पे अगर आप देखें अब देखिए बोनस इश्यू दो तरह के होते हैं जिसमें क्या होगा एक होगा जिसमें आप कन्वर्ट करोगे फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स जिसको हम ऐसा भी बोलते हैं फ्रेश और एडिशनल शेयर्स एज बोनस वाइट सेक्शन 63(1) जो अभी ऊपर हमने यहां पे किया ये वाले बोनस शेयर्स ओके। अभी ये क्या दो तरह के बोनस शेयर्स हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा डोंट वरी। पहले इतना क्लियर है, पहले ये तीन कंडीशन तीन सबसेक्शन क्लियर है सबसेक्शन 1, 2, 3 63 की। एक में सोर्सिंग दिया, दूसरे में कंडीशन और तीसरे में बता दिया आप डिविडेंड के बदले बोनस नहीं दे सकते ओके। और ये बोनस का कितना पावर होता है मैं आपको दिखाता हूं ठीक है। एक कंपनी में जस्ट बिकॉज ऑफ बोनस शेयर्स वर्थ कितनी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। चलो तो सबसे पहले ओके टेल मी वन थिंग, अगर हमने शेयर्स इश्यू किए तो क्या एंट्री आप क्या करोगे, इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री क्या होगी, व्हाट विल बी एंट्री फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आएगा, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल ओके, या फिर अलॉटमेंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट वॉट एवर। अभी टाइमिंग मान लेते हैं अलॉटमेंट ऐसा कुछ है नहीं ठीक है, तो कैन वी पास एंट्री डायरेक्टली लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन नहीं अलॉटमेंट नहीं है पूरा का पूरा एक साथ मिल गया और मुझे इन बिटवीन एंट्री पास नहीं कर रही है तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या आएगी, जब मैं एक्चुअल में बोनस की बात नहीं कर रहा हूं अभी, नॉर्मली जब शेयर इश्यू करेंगे तो एंट्री की इफेक्ट क्या होगी, बोले बैंक से पैसा आएगा एसेट साइड और आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी लायबिलिटी साइड। इतना क्लियर है इफेक्ट। अभी मुझे बताओ अगर आप बोलोगे हमने बोनस दिया तो बैंक से पैसा तो आने वाला है नहीं, कैपिटल इंक्रीज होगी बट पैसा तो आएगा नहीं, बोनस में आप एंट्री कैसे करोगे क्योंकि पैसा तो आने वाला है नहीं। एक्चुअली बोनस में आपने किया क्या मुझे बताओ, रिजर्व जो है उसी को यूज करके आप कैपिटल कर रहे हो तो सबसे पहले रिजर्व को डेबिट करो क्योंकि अल्टीमेटली रिजर्व को ही कन्वर्ट कर रहे हैं इक्विटी कैपिटल में, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम सी टू इट। सबसे पहले सोर्सिंग, सोर्सिंग के लिए एंट्री होगी, ऑर्डर, ऑर्डर याद रखना सोर्सिंग का ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, तो सोर्सिंग में 63(1) में हमने दिया है, देखो आप ये तीनों रीजनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, तो मैंने आपको क्या बोला सीआरआर का एकमात्र यूज क्या है बोनस, तो अगर मैं इसको यहां पर यूज नहीं करूंगा तो कहां पर यूज करूंगा, बोले कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते, तो सीआरआर का तो एकमात्र, अगर आपकी बैलेंस शीट में कहीं पे देखा सीआरआर है और बोनस देना सबसे पहले उसको उठाओ यूज करो, जब तक उसको आप कंप्लीटली यूज नहीं करते हैं तब तक प्री को टच मत करो ठीक है। तो सबसे पहले यूज करेंगे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट,
ओके फिर क्या यूज करेंगे, बोले अभी सिक्योर्ड प्रीमियम को यूज कर लेते हैं, क्यों, चलो वो फ्री जितना फ्री नहीं है, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम का भी लिमिटेड यूज होता है, 5 points के लिए आप यूज कर सकते, जबकि जर्नलिज्म पीएनएल बोले कहीं पे भी यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके तो इसलिए यहां पे सेकेंड ऑर्डर आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और फिर अगर फिर भी सफिशियंट फंड अवेलेबल नहीं है तो फ्री यूज ऑफ यूज कर सकते। देखो एक बात समझ लो, अगर सीआरआर से ही काम हो जाता है तो सीआरआर, अगर सीआरआर खत्म हो गया तो यूज करो सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम भी खत्म हो गया तो यूज करो फ्री रिजर्व्स, और फ्री रिजर्व्स में आप यूज क्या कर सकते हो, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी को भी यूज कर सकते हो। चलो ये भी खत्म हो गया तो अरे तो बोनस ही नहीं करोगे ना, बोनस कितना कर सकते हो, इसमें से कर सकते हो, अब इससे ज्यादा तो बोनस कर ही नहीं सकते आप, तो ये खत्म कभी होगा ही नहीं। आप मैक्सिमम बोनस कितना दे सकते हैं, ये तीनों रिजर्व का टोटल जितना है उतना ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा तो बोनस दे नहीं सकते। और फिर उसको क्रेडिट कहां पे करेंगे, टू, ये क्या दे रहे हैं, बोनस किसको दे रहे हैं, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। समझ में आ रहा है। और फिर हम क्या करेंगे, कैपिटल एंट्री पास करेंगे, ये आपकी फर्स्ट एंट्री हुई और सेकेंड एंट्री होगी बोनस टू इक्विटी शेयर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अल्टीमेटली हमने क्या किया, रिजर्व को कन्वर्ट किया कैपिटल। समझ में आया, ये आपके पास जो भी रिजर्व्स थे उसको कैपिटलाइज करके हमने क्या किया, इक्विटी कैपिटल में कन्वर्ट किया, दैट इज व्हाट बोनस इज ऑल अबाउट। समझ में आ रहा है। सर ये आप बोल रहे हो फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, मतलब क्या, मतलब आपको बोलेंगे 1:2:1 बोनस दिया, ओके 2:1 बोनस दिया, इसका मतलब क्या है, दो शेयर के सामने एक शेयर बोनस दिया, 3:1 बोनस दिया, मतलब तीन शेयर के सामने एक बोनस दिया, ऐसा करके। समझ में आ रहा है। देखो कैसे, यहां पे एक एग्जांपल वन है, देखो अल्फा कंपनी अनाउंस अ बोनस इश्यू टू इट शेयर होल्डर इन 2:3 रेशियो, 2:3 मतलब क्या, टू शेयर फॉर एवरी थ्री शेयर रिजल्ट। तब वो लिखते कभी कभी ऐसे हैं, तब आप बोलोगे 1:2 बोनस, 1:3 बोनस, हाँ मतलब टू शेयर के सामने एक, थ्री शेयर के सामने एक, ऐसे ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है, 3:2 मतलब क्या है, टू शेयर बोनस में देंगे थ्री के सामने, 2:3 बोनस है, ये क्या है, 2:3 बोनस, मतलब अगर आपके पास तीन शेयर्स हैं तो आपको बोनस कितना मिलेगा, 2 शेयर। शेयर होल्डर के पास 6,000 है तो इसको बोनस कितना मिलेगा, 2:3, तो इसको मिलेगा 4,000 शेयर्स। तो अब इसके टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे, बोले 6 ऑलरेडी थे, 4,000 बोनस मिला, अभी उसके टोटल शेयर्स हो जाएंगे 10,000। समझ में आ रहा है। इसको बोलते हैं फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स इज द बोनस, एडिशनल शेयर्स इज द बोनस, फुल्ली पेड अप शेयर्स इज द बोनस, और इसमें आप सीआरआर यूज कर सकते हो, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यूज कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हो, और फ्री रिजर्व तो यूज वैसे भी कर ही सकते हो। चलो इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट, तो ये एंट्रीज क्लियर है फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए। अभी एक दूसरा टाइप ऑफ बोनस शेयर्स है, वो भी मैं यहां पे समझा देता हूं। पहले एज आई सेड मैं पूरा बोनस आपको समझा दूंगा, फिर हम एक एक सम, एक एक टाइप के डिटेल में सम करते जाएंगे और उसमें हम क्या एंट्री करेंगे, विल सी टू इट। पहले इतना क्लियर हो गया, ओके नेक्स्ट। तो ये आपका दिया बोनस 63-1, बट देर इज वन पैरा 39 ऑफ टेबल एफ अंडर शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट,
अभी ये क्या है, देखो ये अभी मैंने आपको जो बोला ना फुल्ली पेड अप शेयर्स एज अ बोनस, हमारे मॉड्यूल में कहां पे वो एंट्रीज है देख लो, सबसे पहले सीआरआर, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर जनरल, फिर पीएनएल टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये हो गया आपका मेथड नंबर वन। अभी पार्टली पेड अप शेयर्स एज बोनस कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स, वो क्या है, सी टू इट। ओके, तो यहां पे अगर आप देखोगे पार्टली पेड अप शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स एज बोनस, ये आप यूज करोगे बाय यू कैन से टेबल एफ। ये टेबल एफ जो है शेड्यूल वन ऑफ कंपनीज एक्ट में दिया है। ओके, अब ये टेबल एफ में क्या होगा, ये अभी हमने क्या किया फुल्ली पेड अप, ये हुआ 63(1) के मुताबिक और ये हुआ टेबल एफ के मुताबिक जिसमें लिखा है टेबल एफ अंडर शेड्यूल वन। ओके, जहां पे फ्री रिजर्व्स कैन बी यूज्ड फॉर दिस वन मतलब, अब देखिए मान लीजिए आपने आपके पास 1 lakh इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच, जिसमें से ₹8 पेड अप है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे हम, पार्टली पेड अप। अब ये कॉल करवाना बाकी है, बराबर है, कॉल करवाने के लिए आप एंट्री क्या पास करोगे, लास्ट कॉल की एंट्री बता दो, दो एंट्री, सबसे पहले ड्यू होगा कि रिसीव होगा, ड्यू होगा, हाँ ड्यू की क्या एंट्री होगी, फाइनल कॉल इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, यस, नॉर्मली कॉल्स के लिए नॉर्मली हम एंट्री क्या पास करेंगे, सबसे पहले ड्यू की एंट्री पास करोगे, हाँ बोलो ड्यू की एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर है, और फिर कॉल रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इतना क्लियर। देखिए एक बात समझ लो, 63(1) में सिर्फ हम फुल्ली पेड अप शेयर्स ही बोनस इश्यू कर सकते हैं, मतलब अभी हम उसकी बात नहीं करते, फुल्ली पेड अप शेयर्स बोनस इश्यू करना मतलब क्या है, दो के सामने एक शेयर बोनस दिया, तीन के सामने दो शेयर बोनस दिया, तीन के सामने एक शेयर बोनस दिया, पांच के सामने चार शेयर बोनस दिया, ऐसा ये बोनस आप फुल्ली पेड अप शेयर्स का ही कर सकते हो। और यहां पे जो हम बात कर रहे हैं अभी वो है पार्टली पेड अप शेयर्स में बोनस देना। आप क्या बोलोगे, अब यहां पे बोनस में आप ऐसा करोगे, नॉर्मली हम ₹2 से ये कॉल करवाएंगे, बट यहां पे क्या करेंगे, बोले नहीं कॉल नहीं चाहिए। ओके, यहां पे हम क्या देंगे, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग कॉल it will be given as a bonus. तो आप क्या करोगे, बोले last call नहीं चाहिए, क्यों, bonus free. तो अभी होगा क्या, entry कैसे होगी, देखो ये due तो ठीक है, आप final call to capital कर लोगे,
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कैपिटल तो क्रिएट होगी होगी, बट ये बैंक से रुपीज नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि आपने क्या दिया है उसको? बोनस. जब आप ऐसे पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड में कन्वर्ट करेंगे ना बोनस देने के लिए, एट दैट टाइम ओनली फ्री रिजर्व कैन बी यूज्ड. ओनली ऐसा टेबल एफ ने बोला है. क्या बोले? अगर आपको पार्टली पेड अप कॉल बाकी है, कॉल मंगवाना बाकी और आप बोल रहे हो चलो ये बोनस में दे दिया, ऐसे आपको बोनस देना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे हम ना ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिजर्व यूज कर सकते हैं, ना ही सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं. तो यहां पे एंट्री क्या पास करेंगे? सिंपल, सबसे पहले फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट. बराबर है. फ्री रिजर्व में क्या होगा? या तो आप जनरल रिजर्व यूज करो या तो आप पीएनएल यूज करो, बस रेवेन्यू रिजर्व जो भी नाम है फ्री है वो यूज कर सकते हैं. मतलब ये जो सेकेंड टाइप मैंने आपको बताया पार्टली पेड अप शेयर्स को बोनस देना, उसमें आप सीआरआर यूज नहीं कर सकते, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं कर सकते. टू, बोनस टू शेयर होल्डर. ओके, यहां पे भी बोनस टू शेयर होल्डर. ओके, और फिर आप एंट्री क्या करोगे? देखिए यहां पे तीन एंट्री आएगी. एक ये बोनस टू शेयर होल्डर, फिर क्या करेंगे हम? बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये कॉल था ना. और फिर हम क्या करेंगे? थर्ड एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. समझ में आया? इन शॉर्ट यहां पे हुआ क्या पता है? बैंक की जगह पे बोनस आ गया. और ये बोनस जो है वो कहां से आया? बोले उसको हमने रिजर्व से सोर्स किया. तो रिजर्व टू बोनस, बोनस टू फाइनल कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल. ऐसे करके तीन एंट्री आएगी. ये पूरे यूनिट में आपको एक बोनस का टॉपिक आएगा, एक राइट इश्यू. बोनस का पूरा टॉपिक मैंने अभी आपको समझा दिया, अभी हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे. उससे पहले चलो इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट? हाँ, ड्यू होगा. अरे बोनस दिया ना फ्री ऑफ कॉस्ट. हमने शेयर होल्डर को क्या बोला? बोले आपका 2 रुपीज का कॉल बाकी है. हाँ, उसका क्या कर? बोनस. हमारे पास रिजर्व पड़ा है 2 रुपीज, उसमें से यूज कर लेंगे, आपको देने की जरूरत नहीं है. बोनस मुफ्त में, लास्ट कॉल मुफ्त में दे दिया. समझ में आ रहा है? तो बैंक तो रिसीव होगा नहीं, तो भी यूज क्या करेंगे? बोले प्रॉफिट फ्री रिजर्व को. ऐसे बोनस में आप सीआरआर को या सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर सकते. चलो ये कंसेप्ट समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. एक बार ये कंसेप्ट समझ में आ गया, सम कोई भी उठा के पूछ ले आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. अभी हम सम भी करते हैं. ओके, डोंट वरी. तो पहले इसको नोट डाउन कर लो. चलो ये पूरा जो टेबल मैंने आपको बताया है उसको आप अच्छे से नोट कर लो.
चलो इज इट डन. चलो इज इट क्लियर. चलो एग्जाम्पल नंबर वन पे आ जाओ, प्रैक्टिकल करते हैं. और मैंने आपको बताया था कि पावर ऑफ बोनस हम कंसीडर करेंगे. हाँ मतलब ये बोनस का कितना पावर होता है आप देखो. हाँ फिर यहां पे देखो, पार्टली पेड अप शेयर में जनरल रिजर्व प्री रिजर्व यूज करेंगे बोनस के लिए, फिर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल एंड बोनस टू फाइनल कॉल. ये तीन एंट्रीज जो हम करने वाले हैं वही है. क्लास वर्क एग्जाम्पल नंबर वन देखिए, मैंने आपको बताया था पावर ऑफ बोनस और पावर ऑफ बोनस एंड स्प्लिट. स्प्लिट मतलब क्या है, 100 रुपए के एक शेयर को 10 रुपए के 10 शेयर में कन्वर्ट कर देना, उसको स्प्लिट अप बोलते हैं. उससे अल्टीमेटली कोई वर्थ में फर्क नहीं पड़ेगा बट नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे. अभी देखिए, मान लीजिए आपने 1980 में 100 शेयर्स विप्रो के लिए, ये विप्रो कंपनी की बात हो रही, सिर्फ 100 शेयर्स ओके विप्रो के. फिर विप्रो में 81 में क्या किया, 1-to-1 बोनस दिया, मतलब आपके शेयर कितने हो गए, डबल 200, 100 प्लस 100 बोनस. फिर 85 में फिर से बोनस दिया तो कितने हो गए, 200 के 400. फिर स्प्लिट किया, स्प्लिट मतलब क्या, 100 के एक शेयर को 10 के 10 शेयर में स्प्लिट कर दिया. अब देखिए, अगर मैं आपको बोलूं 100 रुपए के एक शेयर, उसके बजाय आपको बोलूं कि चलो एक काम करो 10 के 10 शेयर ले लो, तो यहां पे आपके शेयर 400 में से कितने हो जाएंगे, 4000. फिर बोनस दिया 1-to-1 8000. फिर बोनस दिया 89 1-to-1. फिर 92 बोनस दिया 1-to-1 32000. फिर 95 में फिर से बोनस दिया, और फिर तो 97 में तो बोनस दिया 1-to-2 1:2 डबल. फिर स्प्लिट किया, फिर बोनस दिया डबल, फिर बोनस दिया 2005, 2010, 2017, 2019. इसका मतलब अगर आपके 80s में विप्रो के 100 शेयर्स हो गए, वो हो जाएंगे 2,56,00,000 शेयर्स. वैल्यू नहीं, अभी इसकी वैल्यू अगर आप सोचो कितने हो जाएंगे. पावर ऑफ बोनस. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर वन. फॉलोइंग आइटम अपियर इन ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड लिस्टेड कंपनी ऑन 31st March 2022. 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each 4 lakh. CRR कैपिटल एडमिशन रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश तो यूज कर सकते हैं हम. जनरल रिजर्व सरप्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल तो ये सब फ्री है. द कंपनी डिसाइडेड टू इश्यू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर्स एट द रेट ऑफ 1 फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड बाय देम. तो यहां पे अगर आप देखोगे 40,000 शेयर्स हैं, 40,000 शेयर्स हैं, उसका 1/4 मतलब 10,000 शेयर्स बोनस में मिले. ये नंबर्स हैं, फेस वैल्यू क्या है 10. तो यहां पे What will be the value of shares as a bonus? समझ में आ रहा है? और आपको क्या पूछ रहे हैं? It was decided that there should be minimum reduction in free reserve. मतलब free reserve कम से कम use करें. वो तो पता है हमें. पहले हम यही use करने वाले हैं order wise. सबसे पहले number 1, फिर 2 और फिर ये order number 3. समझ में आ रहा है? Free को last में use करते हैं. चलो, draw the format of journal entries in the books of Bharat Limited.
डेट का स्पेसिफिक मतलब डेट स्पेसिफिक नहीं मेंशन हुई तो इग्नोर दैट कॉलम ऑफ डेट. ओके यहां पे वर्किंग नोट कर लेते हैं बोनस कितना होगा. तो 40,000 शेयर्स हैं, एक शेयर 4 के सामने बोनस दिया 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स और इसकी फेस वैल्यू है रुपीज 10, तो टोटल बोनस इश्यू कितना होगा रुपीज 1 लाख. Is it 1 lakh? बराबर है. Now, we'll use over here entries. ये क्या है? Fully paid up shares as a bonus. सबसे पहले capital redemption reserve. Capital redemption reserve account. कितना है? 55 पूरा यूज कर लो. यहां पे 55 यूज इट कंप्लीटली. नेक्स्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश है तो आप यूज कर सकते हो. रियलाइज इन कैश मतलब क्या? मतलब जब आप शेयर इश्यू करते हैं नॉर्मली बैंक टू इक्विटी कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो वो प्रीमियम आपको कैश में मिला ना, तो वो सिक्योरिटी में यूज कर सकते हैं. तो सर नॉन कैश मतलब क्या? आपने अगर अमालगमेशन में शेयर इश्यू किए प्रीमियम के साथ, या मान लीजिए एसेट लेके शेयर इश्यू किए, तो उसको बोलते हैं अदरवाइज देन बाय कैश. जो कैश में रियलाइज नहीं हुआ है वो आप यूज नहीं कर सकते. अभी बचा कितना? बैलेंसिंग फिगर जनरल रिजर्व यूज कर दो. कितना? 15,2 बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट. Narration. Narration is must, obviously. Bonus issue of 1 share for every 4 shares held. By utilizing various reserves. As per board's resolution. तो जो भी resolution pass किया है वो चलो ये आपकी फर्स्ट एंट्री. और दूसरी एंट्री क्या होगी? अभी इसको कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं बोनस को. बराबर यहां पे क्या होगा? बोनस टू शेयर होल्डर. टू इक्विटी शेयर कैपिटल. क्लियर है? नरेशन कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इनटू इक्विटी शेयर. सो दिस इज हाउ वी कैन पास एंट्रीज विथ रिस्पेक्ट ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स एज अ बोनस सेक्शन 63(1) जहां पे हम यूज कर सकते हैं रिजर्व कॉल कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व फर्स्ट ऑर्डर, फिर उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम,
और उसके बाद अगर भी बचा है तो प्री रिजर्व आप यूज कर सकते हो. चलो इज इट क्लियर, इसमें कोई डाउट? अभी तो बैलेंस शीट नहीं बनानी है, वरना अगर हम रिजर्व यूज करते तो देखो ये पूरा यूज हो चुका है, तो भी ये बचा कितना? जीरो. ये भी पूरा यूज हो चुका है, बचा कितना? जीरो. और यहां पे आपने कितना यूज किया? 15. तो इसमें से कितना बैलेंस बचेगा? 90. ये पूरा का पूरा 50 बच जाएगा. तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो रिमेनिंग रिजर्व कितनी बचे हुए आफ्टर बोनस, और यहां पे क्या हो जाएगा? तो बोले यहां पे आपके 1 लाख के शेयर्स आ जाएंगे. तो हुआ क्या, लॉजिकली समझो, ये जितनी भी रिजर्व है उसमें से 1 लाख की रिजर्व को मैंने क्या किया? कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया. तो अल्टीमेटली बोनस से पहले की अगर आप बैलेंस शीट बनाएंगे और बोनस के बाद की बैलेंस शीट बनाएंगे तो फर्क क्या पड़ेगा? बोले शेयरहोल्डर फंड उतना ही रहेगा. फर्क क्या पड़ा? शेयरहोल्डर का फंड जो भी था वही रहा, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस टोटल करोगे उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा. उल्टा हुआ क्या, रिजर्व जो था वो कम हो गया, कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो गया. तो आपने क्या किया? रिजर्व को कन्वर्ट किया. समझ आ रहा है? ओके. तो फिलहाल तो जर्नल एंट्री ही पूछी थी तो हमने कर ली. चलो ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट? एनी डाउट? विल बी गॉट देन एग्जाम्पल टू, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन इज देयर होमवर्क. चलो एग्जाम्पल 3 पे आ जाओ. अभी हम हमारे सेकेंड टाइप पे आते हैं, पार्टली पेड अप शेयर को फुली पेड अप शेयर्स में बोनस में देना, बराबर है? तो वो कैसे देंगे? सी टू इट. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. पॉइंट नंबर 1, अ लिमिटेड कंपनी विथ सब्सक्राइब कैपिटल 5 लाख कंसिस्टिंग ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच कॉल्ड अप 7.5 बोनस 125 डिक्लेयर्ड आउट ऑफ जनरल रिजर्व टू बी अप्लाइड इन एग्जिस्टिंग शेयर्स टू फुल्ली पेड अप. सर पता कैसे चलेगा कि ये फुल्ली पेड अप शेयर्स है कि पार्टली पेड अप है? बोलो पता कैसे चलेगा? ओके हम दोनों पॉइंट लर्न करते हैं, फिर मुझे बताओ उसमें से फुल्ली पेड अप वाला पेड अप जो है वो बोनस कौन सा है और पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड में बोनस में कन्वर्ट करने वाला बोनस कौन सा है. अनलिमिटेड कंपनी फुल्ली पेड अप 50 लाख कंसिस्टिंग ऑफ 10 रुपीज ईच शेयर, जनरल रिजर्व 9 लाख बैलेंस है. इट रिजोल्व टू कैपिटलाइज 5 लाख आउट ऑफ जनरल रिजर्व बाय इश्यूइंग 50,000 फुल्ली पेड अप शेयर्स एज अ बोनस, 1 for every 10 फुल्ली पेड अप. तो ये तो फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स है. सेक्शन 63(1) ये क्या है? अब यहां पे देखो, टू बी यूटिलाइज इन अप्लाइंग एग्जिस्टिंग शेयर फुल्ली पेड अप, मतलब यहां पे आप क्या कर रहे हो? पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर रहे हो. समझ में आ रहा है? दो अलग अलग है, दो अलग अलग समय ऐसा मान लो. पॉइंट नंबर 1 अलग है, पॉइंट नंबर 2 अलग है. उसमें से पॉइंट नंबर 1 में दिया है उसमें क्या बोल रहे हैं? कॉल. अभी यहां पे देखो ये कॉल करवाना बाकी है 2.5 का. इन्होंने क्या बोला? बोले उसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर दो बोनस देके, फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर दो बोनस देके, बराबर. तो ये है पार्टली पेड अप शेयर्स जो फुली पेड में कन्वर्ट बोनस से होगा, 3 एंट्रीज विल बी देयर, और यहां पे फुली पेड अप शेयर्स एज अ बोनस 2 एंट्रीज विल बी देयर. ओके तो दोनों टॉपिक इसी सम में आ गए. चलो ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री.
ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन में एंट्री सबसे पहले क्या करेंगे, तो बोले यहाँ पे आपको 125, ये 125 कैसे हुआ, देखो ये 50,000 का शेयर्स है, 50,000 के शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इंच है, ऑफ रुपीज 10 इंच है, और ये पेडअप कितना है, तो पेडअप है 7.5 बराबर है। अभी करो चलो 50,000 इंटू 2.5 तो कॉल करवाना कितना बाकी है, रुपीज 125, और वही आपको यहां पे दिया जनरल रिजर्व में से देना है, और यहां पे पता कैसे चलेगा बोनस है, ये ना बोनस, समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग दिस क्वेश्चन कि कैसे वो पूछा है तो हम क्या एंट्री करेंगे। ऐसा ना हो कि आपको पूछा है पार्टली पेडअप टू फुली पेडअप बोनस टेबल एफ ओके, और आप 63(1) करके आओ, ठीक है दो एंट्री, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है ओके। तो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले हम सोर्सिंग, सोर्सिंग कहां से करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वन ट्वेंटी फाइव टू बोनस टू शेयर होल्डर, पहली एंट्री तो दोनों में सेम ही होगी, हाँ ये जो पार्टली पेडअप है उसमें सीआरआर या सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं करेंगे, फॉर मेकिंग प्रोविजन ऑफ बोनस इश्यू, ओके फिर हम क्या करेंगे, कॉल को कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट 125 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले ड्यू होगा फिर बाद में रिसीव, रिसीव नहीं होगा बट रिसीव के बदले क्या करेंगे, बोनस को यूज करेंगे बराबर है। तो यहां पे नरेशन फॉर फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 2.5 पर शेयर ऑन 50,000 इक्विटी शेयर्स ड्यू, ये ड्यू हुआ एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन, और थर्ड क्या होगा, अप्लाइंग रिजर्व्स जो है उसको, बोनस जो है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है बैंक की जगह पे एंट्री आएगी बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो देखो कॉल कॉल कैंसल, बोनस बोनस कैंसल, रिजर्व से कैपिटल चला गया कैपिटल में, रिजर्व का बैलेंस जो है रिजर्व से हमने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, और बोनस मनी अप्लाइड फॉर कॉल, तो बोनस के जो भी पैसे हमने कॉल के लिए अप्लाई कर दिया। तो दीज आर द थ्री एंट्रीज वी आर गोइंग टू पास, समझ में आ रहा है, चलो पॉइंट नंबर टू, सम नंबर टू कंटिन्यूएशन। अब यहां पे तो दो ही एंट्री आएगी ना, देखो आपको क्या करना है, बोनस कितना देना है 1/10, हाँ तो 50,000 है 1/10 मतलब 5,00,000, 50,000 शेयर्स आप बोनस में दे रहे हो, और यहां पे सब कुछ कैलकुलेट करके दे दिया है, रिजल्ट टू कैपिटलाइज 5,00,000 आउट ऑफ जनरल रिजर्व, तो ये स्पेसिफिकली आपको बता दिया है, समझ में आ रहा है। तो एंट्री बोलो चलो क्या यूज करोगे, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व टू बोनस, बोनस टू कैपिटल, कॉल नहीं आएगा यहां। तो सर आपने बोला था सीआरआर पहले यूज, अरे होगा तो यूज करेंगे ना, होगा नहीं तो कैसे यूज करेंगे, बराबर है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट
5 lakh to bonus to shareholder. For making provision of bonus issue. Next, shareholder to, मतलब bonus to shareholder to increase share capital. For issue of 50,000 bonus shares of rupees 10 each. तो ये bonus issue किया हम. चलो समझ में आ गया अभी दोनों के दोनों टाइप ऑफ bonus. एक ही सम ने हमने ले लिया. ये सम से आपको जर्नल एंट्रीज अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए दोनों टाइप ऑफ bonus में. ओके चलो देख लो एक बार फिर भी अगर कोई भी डाउट है. ओके चलो इज इट क्लियर डन. नेक्स्ट एग्जाम्पल 4. द फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू ब्राइट लिमिटेड बैलेंस शीट ऑन 31st March 2022. अब यहां पे अगर बैलेंस शीट देखोगे ऑथोराइज दिया है 20 करोड़ शेयर्स ऑफ 10 इंच जबकि इश्यूड सब्सक्राइब दिया है 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इंच 2 करोड़ 11% क्यूमिटी प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 इंच. ऐसा करके ये आपका इश्यूड सब्सक्राइब्ड है. अभी इसमें से भी होल्ड अप पेड अप अगर आप यहां पे देखोगे तो एक बात यहां पे देख लो वेरी इंपॉर्टेंट. ऑथोराइज तो ठीक है इश्यूड भी ठीक है. होल्ड अप पेड अप में अगर आप देखोगे यहां पे क्या है 8 पर शेयर होल्ड अप एंड पेड अप जबकि प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप है. तो अगर इक्विटी शेयर में बोनस देना है तो अगर आपको फ्रेश शेयर्स बोनस देना है ना तो वो फुल्ली पेड अप ही दे सकते हो आप. देखिए आपके पास दो ऑप्शन या तो आप उसको बोल दो 2 rupees नहीं चाहिए वो बोनस ये आप कर सकते हो बट फ्री रिजर्व में से. और अगर आपको फ्रेश शेयर्स बोनस देने हैं फ्रेश शेयर्स इज अ बोनस तो पहले उसको बोलो चलो 2 rupees कॉल 2 rupees का कॉल करवाओ उसको पहले फुल्ली पेड में कन्वर्ट करो फिर जाके आप फ्रेश शेयर्स बोनस में दे सकते हो. समझ में आ रहा है. तो भी यहां पे क्या करते हैं देखते हैं आगे.
रिजर्व के पास आपके पास रिजर्व सरप्लस में बैलेंस पड़ा हुआ है सीआरआर सिक्योर प्रीमियम इन कैश जनरल रिजर्व पीएनएल ठीक है. ऑन 2nd अप्रैल कंपनी मेड अ फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर 2 per share एंटायर मनी रिसीव्ड. ये एक बात समझो यहां पे, ये कॉल जो है वो बोनस में नहीं दे रहे, कॉल करवा रहे और पैसे भी आ गए. तो 2nd अप्रैल को क्या किया, बोले पहले फुल्ली मेड अप में कन्वर्ट कर दो, कर दिया. फिर जून में कंपनी डिसाइडेड इश्यू बोनस फॉर एट द रेट ऑफ 2 फॉर एवरी 5 share सेट, 2/5 बोनस दिया और यूटिलाइज कैपिटल रिजर्व टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट. मतलब ये जो है ना जो स्पेसिफिक रिजर्व है उसको पहले यूज करवा, समझ में आ रहा है. पास जर्नल एंट्री फॉर ए ट्रांजेक्शन ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स ऑन शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस टू बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर. मतलब आपको नॉट वन नॉट टू बनाना है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट यूनिट वन में देखा था हमने, इवन हमने यूनिट टू और थ्री में नॉट भी बनाए थे याद करो, राइट वही आपको नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं. और एक बात समझ लो, मैंने आपको पहले भी बताया था, बार बार बता रहा हूं, जब भी आप नोट वन बनाओगे मेक श्योर ऑथोराइज सब्सक्राइब वो सब आप मेंशन करो, जैसे यहाँ पे मेंशन हुआ है ऑथोराइज इश्यूड सब्सक्राइब कॉल्ड अ पेड. और अगर कोई भी शेयर्स आप अदरवाइज देन बाय कैश इश्यू करते हैं ब्रैकेट में आना चाहिए. और ये बोनस क्या है, अदरवाइज देन बाय कैश ही हुआ और क्या हुआ, उसमें कैश तो आया नहीं, तो आपको ब्रैकेट में लिखना होगा कितने शेयर्स अदरवाइज देन बाय कैश इश्यू हुए हैं. तो वो सब प्रेजेंटेशन मैटर्स अलॉट. और अगर आपने वो नोट नहीं लिखी या ऑथोराइज कैपिटल नहीं लिखी तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, समझ में आ रहा है. और मेक श्योर आपका इश्यूड सब्सक्राइब कभी भी ऑथोराइज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑथोराइज इंक्रीज करना होगा रेजोल्यूशन पास करके. ओके चलो वो देखते हैं आगे कैसे करेंगे. चलो इतना क्लियर है, तो सबसे पहले तो कॉल करवा लेंगे थ्रू द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज. और यहां पे डेट का कॉलम भी आ जाएगा, डेट्स दी है. यस जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राइट लिमिटेड. और एक बात समझ लो, बार बार मैं आपको बताता हूं कि जब भी आपको ये पूरे चैप्टर कंपनी अकाउंट्स जो हैं उसमें से कहीं पे भी जर्नल एंट्री पूछे, इस ये चैप्टर छोड़ो, अकाउंट में कहीं पे भी जर्नल एंट्री पूछे, जब तक सब में स्पेसिफिकली ना लिखा हो कि इग्नोर जर्नल एंट्रीज और जर्नल एंट्रीज नॉट रिक्वायर्ड, सॉरी नरेशन नॉट रिक्वायर्ड. ओके आपको नरेशन लिखना होगा, भूल मत जाना नरेशन लिखना. ओके अनलेस अंटिल नरेशन नॉट रिक्वायर्ड ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन किया है तो देन इट इज डिफरेंट मैटर. तो यहां पे 2nd अप्रैल 2022 सबसे पहले अप्रैल में क्या करवाना है हमें, कॉल. कॉल कितना, तो यहां पे 10 crore है, 2 rupees, रुपीज इन लैक्स है. चलो यहां पे लिख देते हैं रुपीज इन लैक्स. चलो लैक्स में कन्वर्ट करो, 10 crore 2 rupees, 20 crore into 100 मतलब 2000 lakhs हो जाएंगे. 2000 lakhs आप क्या करोगे, कॉल करवाओगे ना 2000 lakhs का. ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो जैसे ही कॉल करवाओगे क्या हो जाएगा, 10 crore 10 rupees फुल्ली पेड अप हो जाएगा, मतलब 10,000 lakhs हो जाएंगे, समझ आ रहा है. तो 2000 अभी यहां पे एक बात समझ लो, आपने सब कुछ अच्छे से कर दिया है बट ये कन्वर्ट करने में आपने गलती कर दी, यहां पे 200 lakh लिख दिए, एंट्री गलत क्योंकि फिगर ही गलत है आपका.
200 कर दिया, 20,000 कर दिया, नीड टू बी वेरी मच केयरफुल विद द जीरोस. एक जीरो भी इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया, भले ही आपकी एंट्री सही क्यों ना हो, आपका फिगर गलत है तो वह एंट्री गलत ही मानी जाएगी. समझ में आ रहा है? चलो सबसे पहले क्या करेंगे, ड्यू करेंगे फाइनल कॉल. बराबर है, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2,000 lakhs. टू, इक्विटी शेयर कैपिटल क्लियर है. नरेशन फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 2 पर शेयर ऑन 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स मेड ड्यू. तो ड्यू करवाया हमने, चलो वो ठीक है. डेट कंटिन्यूएशन, अभी क्या करेंगे, दूसरी एंट्री क्या होगी इसकी, बोनस. तो अरे बोनस नहीं दे रहे, रिसीव कर रहे हैं, कॉल किया है ना हमने, रिसीव रिसीव. हाँ तो ये नॉर्मल कॉल की एंट्री है. बराबर, बैंक अकाउंट डेबिट. तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल फाइनल कॉल मनी ऑन 10 करोड़ शेयर्स रिसीव. नाउ इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अब यहां पे बात होगी किस पे, जैसे ही आपने ये 2nd अप्रैल पे 2000 किया, मुझे बताओ अभी आपके शेयर कितने हो गए. 10,000, मतलब शेयर कैपिटल कितनी हो गई आपकी, 10,000 lakhs. ओके, फुल्ली पेड अप हो गया ना. अभी जनरल स्टूडेंट क्या गलती करेंगे पता है, यहां पे ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे बोले कितना दिया बोनस, बोले 2/5. यहां पे क्या करेंगे, 8,000 है इक्विटी, 2/5. अरे 8,000 कैसे हुआ, इक्विटी कितना हो गया अभी टोटल 10. या फिर ऐसे मत करो, फ्रेश शेयर देना है ना तो ऐसे करो, ये 10 करोड़ है नंबर्स, तो बोनस बोनस कितना होगा, 10 करोड़ है, या फिर इसको लाख में कन्वर्ट करते हैं, कितना हो जाएगा, 1,000 lakh शेयर्स हैं. बराबर है, इसके सामने बोनस कितना देना है, बोले 2/5, तो कितने लाख शेयर्स हो जाएंगे बोनस. टू बाई फाइव तो 400 lakh शेयर्स हो जाएंगे. ये नंबर्स हैं, नंबर्स. तो बोनस इश्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज क्या हो जाएगा, बोनस इश्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज क्या हो जाएगा, 400 × 10 rupees फेस वैल्यू है ना, तो रुपीज 4,000 lakh. समझ में आ रहा है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, अमाउंट ले लो, बोनस इश्यू अमाउंट ले लो, तो फुल्ली पेड अप होने के बाद कितने हो गए, 10,000 lakh शेयर्स रुपीज इंटू 2/5, तो भी हो जाएंगे 4,000 lakh. समझ में आ रहा है, यहां पे भी अमाउंट में गलती मत करना, बोनस में यहां पे बार बार मैंने देखा है स्टूडेंट गलती करते हैं, या तो 8,000 से ले लेंगे, या तो यहां पे अमाउंट में गलती हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. समझ आ रहा है कैसे किया, चलो तो 4,000 अभी यूज करो. तो सबसे पहले ये कौन से टाइप का शेयर्स है बोनस, बोले फ्रेश शेयर्स इज अ बोनस. फ्रेश शेयर्स में 63(1) CRR, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्री रिजर्व यूज कर सकते हैं. और कब दिया बोनस, बोले June 1st, तो यहां पे 1st June 2022. सबसे पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व,
1485 बराबर है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू थाउजेंड और आपको बोनस कितना देना है बोनस टू शेयर होल्डर 4000 तो बैलेंस कितना बचा 515 तो ये आप कहां से लाओगे डू वी हैव जनरल रिजर्व के पीएनएल जनरल रिजर्व इनफ है हमारे पास तो हमने क्या किया अभी यहां पे इंपोर्ट है ना ये यूज कर दिया जीरो ये यूज कर दिया जीरो यहां पे कितना यूज किया 515 बैलेंस कितना बचेगा सॉरी और 273 एज इट इज और यहां पे तो पहले 2000 आए और फिर यहां पे बोनस कितना हुआ 4000 समझ में आ रहा है पहले 2000 कॉल करवाया फिर 4000 बोनस आया तो अभी 14 हो गए यही हम नॉट वन नॉट टू में प्रेजेंट करेंगे बराबर चलो नरेशन बोनस इश्यू ऑफ टू शेयर्स फॉर एवरी फाइव शेयर्स हेल्ड बाय यूटिलाइजिंग वेरियस रिजर्व्स चलो क्लियर है और फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 4000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल बराबर है तो कैपिटल में एक बार ये 2000 इंक्रीज हुआ और फिर 4 दूसरा इंक्रीज हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट चलो इतना क्लियर है आपको बताया है बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट में नोट नंबर वन नोट नंबर टू ड्रॉ करना है कैसे ड्रॉ करेंगे बताता हूं मैं पहले इसकी एंट्रीज नोट डाउन कर लो चलो
चलो इज इट डन थ्रू दी नोट्स टू अकाउंट्स नेक्स्ट पेज पे अभी बैलेंस शीट थ्रो नहीं करनी है सिर्फ हमें इसकी नोट्स बनानी है ठीक है चलो हेडिंग देंगे नोट्स टू अकाउंट्स एंड यू वेरी वेल नो बैलेंस शीट में सबसे पहली नोट होती है नोट वन शेयर कैपिटल एंड देन नोट टू विल बी फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस सबसे पहले यहां पे आएगा शेयर कैपिटल में ऑथोराइज्ड मुझे बताओ यहां पे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल इंक्रीज करने की जरूरत है क्या कुछ बोले नहीं क्यों क्योंकि अगर आप देखोगे ऑथोराइज कितनी है आपकी 20,000 लैक्स और यहां पे बोनस पेड अप फुली पेड अप कर दिया फिर बोनस दिया फिर भी मैक्सिमाइज कितने हो गए बोले 14 इक्विटी और 2 प्रेफरेंस टोटल 16 ही हो गए दैट इज वेल विद इन द ऑथोराइज लिमिट कोई प्रॉब्लम नहीं है चलो तो आपकी ऑथोराइज कैपिटल है 20 करोड़ शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच तो यहां पे आपको ऑथोराइज को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है रुपीज इन लैक्स और यहां पे हम ड्रॉ कर देते हैं लाइन ये काउंट नहीं होगा नेक्स्ट हेडिंग इश्यूड Subscribed, called up, and paid up. सब सेम ही है तो इक्विटी में कितने हो जाएंगे देखो एक बात समझ लो 10 करोड़ तो थे यहां पे शेयर्स और बोनस कितना दिया 2/5 मतलब आपने 4 करोड़ बोनस दिया तो टोटल 14 करोड़ हो गए यहां पे लिखेंगे 14 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच फुल्ली पेड अप यहां पे हो जाएंगे 14,000 बट इसमें से आपको क्या लिखना है आउट ऑफ अबो 4 करोड़ शेयर्स ऑफ रुपीज 10 Each were issued by way of bonus. तो यहां पे हमें क्या लिखना है कि ये 14 करोड़ में से 4 करोड़ तो बोनस है बोनस मतलब जिसका कैश आपको नहीं मिला है समझ में आ रहा है और फिर यहां पे अभी बात करेंगे 2 करोड़ 11% क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 ईच फुल्ली पेड अप 2000 जैसा करके आपका नॉट नंबर वन का टोटल होगा 16,000 समझ में आ रहा है चलो इज इट क्लियर नॉट नंबर वन नॉट नंबर टू जहां पे आएगी सारी रिजर्व सरप्लस
तो सबसे पहले क्या था आपके पास, कैपिटल रिडम्पशन सर, बट वो तो यूज हो गया, हाँ तो बताना पड़ेगा ना यहाँ पे यूज हुआ 1485 बराबर, उसको क्या बोलेंगे लेस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस, पूरा यूज हो गया नील। फिर क्या था हमारे पास, बोले सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना 2000 यूटिलाइज्ड फॉर बोनस, ये भी पूरा यूज कर दिया। यस जनरल रिजर्व, कितना है 1040 लेस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इश्यू 515, तो ये बचा कितना 525 एंड देन सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू 73 एज इट इज, कितना होगा यहां पे टोटल रिजर्व सरप्लस का टोटल 798। Is it clear? So this is how, अगर आपको पूछे notes to accounts को present करना है, you must present like this, वरना इसके भी notes के marks cut हो सकते हैं। Entry सही लिख दी, but यहाँ पे presentation properly नहीं किया like this, तो भी आपके marks cut हो सकते हैं। Obviously yes. Okay, चलो entries तो note down हो गई है, अभी ये notes को note down कर लो आप। चलो इज इट डन, ये हो गया। तो आज मैंने आपको क्या होमवर्क में दिया, एग्जाम नंबर टू बराबर, एक एग्जाम्पल नंबर आगे ओपन करो 12। ये अभी हमने जैसा किया ना वैसा ही क्वेश्चन, यहाँ पे राइट शेयर भी दिया है, ठीक है चलो उसको छोड़ो, 12 को छोड़ो। ये रिसेंट आरटीपी जून 24 का क्वेश्चन है, देखो 15। देखो फाइनल कॉल करवा दिया और फाइनल कॉल करवाने के बाद 1 for every 5 शेयर्स बोनस में दिया, एंट्री पास करो तो ये होमवर्क में हो जाएगा। एक मैंने सम दिया 2 और एक दिया 15, ये दो क्वेश्चन। अभी बीच में जो भी एडवांस लेवल के सम्स है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके आने। वन मोर थिंग, मैंने आपको यहाँ पे होम असाइनमेंट भी दिया है,
वंस वी फिनिश अप ऑल द क्लास वर्क क्वेश्चन, तो यहां पे अगर आप देखोगे होम असाइनमेंट, तो होम असाइनमेंट में भी आप सम्स कर सकते हो, यहां पे बहुत सारे सम्स दिए हैं प्रैक्टिस के लिए. ओके, सो मेनी सम्स आर देयर इन होम असाइनमेंट, और फिर क्लास वर्क में तो है ही. तो 2 एंड 15 ये दो क्वेश्चन होमवर्क में है. ओके, चलो दैट्स इट फॉर टुडे.